नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 12 जोड़ी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में ठंड की वजह से कोहरा होने लगा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से चलने वाली अमूमन 12 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला इंडियन रेलवे की तरफ से लिया गया है। रेलवे ने ठंड में कोहरे को देखते हुए ट्रेनों के परिचालन में बदलाव भी किया है। जिन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है उनमें नाम लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस आदि बताए गए हैं। वहीं रेलवे के अधिकारियों के अनुसार 1 दिसंबर 2022 से आगामी फरवरी 28, 2023 तक 12 ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है। वहीं खबर ये भी है कि लगभग 6 जोड़ी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको आंशिक रूप से रद्द किया जा रहा है। रेलवे के CPRO विजेंद्र कुमार ने बताया है कि ठंड की वजह से ट्रेनों की विजिबिलिटी कम होती जा रही है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। हम आपको बता दें कि कई ऐसी भी ट्रेनें हैं जिनके समय में फेरबदल भी किया गया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि धनबाद मंडल के कोडरमा स्टेशन पर NI का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार से गुजरने वाले लगभग 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही 2 ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी पुनर्निर्धारित कर दी गई है एवं 4 ट्रेनों का परिचालन को नियंत्रित कर दिया गया है। वहीं बात की जाए महेश मुंडा स्पेशल ट्रेन और कोडरमा मधुपुर स्पेशल ट्रेन की, तो वे 29 नवंबर व 3 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। इसी के साथ 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक कोडरमा स्पेशल रद्द रहेगी। साथ ही 20, 25, 26, 27, 29 एवं 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आसनसोल वाराणसी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। 20, 25, 27 व 30 नवंबर को आरा रांची एक्सप्रेस 90 मिनट देर से खुलेगी व 29 नवंबर को आरा से 3 घंटे देर से खुलेगी। वहीं बात की जाए पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस की, तो वे तारीख 20, 25, 27 एवं 30 नवंबर को पूर्णिया कोट से 90 मिनट देर से खुलेगी। इसी के साथ नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12802 नई दिल्ली पूरी एक्सप्रेस उत्तर मध्य रेल के द्वारा 25, 26, 29 व 30 नवंबर एवं DDU मंडल में 29 मिनट नियंत्रित रूप से चलाई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।